मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर के चांपा जिले के ग्राम सिवनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि सूर्यवंशी समाज ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को चुना। शिक्षा ही वह ज्योति और प्रकाश है जिसके माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ की पहचान बदल रही है। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सहित अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन के साथ राज्य का विकास हो रहा है। सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के द्वारा आयोजित सूर्यांश महा महोत्सव में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उन्हें यहां आकर शांति और सुकून की अनुभूति होती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 2016 में भी आया था पूरा और बहुत ही हमारे यहाँ समाज के द्वारा शिक्षा और जो उनके पांच देव हैं जिन्होंने पीढ़ा पार से शुरुआत की कि बच्चों को शिक्षा दो। उस समय अभाव था, छुआछूत का दौर था, स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते थे, पीढ़ा में वो लिख लिख के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। वहाँ से शिक्षा कितना महत्व था वो महापुरुष उसको समझते थे। आज के समाज को भी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं और भी